वेलकम बैक टू माई चैनल क्वींस मेकअप एंड ब्यूटी वर्ल्ड। आपको पता है मैं हूँ जागृति, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हनी का फेशियल, यानी कि शहद से आप घर पे कैसे फेशियल कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हनी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं और ये हमारे स्किन को टाइट करता है। अगर आपके फेस पे, आई के पास या फिर कहीं पे भी रिंकल्स है या फिर फाइन लाइंस की प्रॉब्लम्स है, तो ये उसको भी रिड्यूस करेगा। साथ ही आप अगर वीक में एक से दो बार ये हनी का फेशियल अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये आपको ब्राइटनिंग और वाइटनिंग तो देगा ही देगा। साथ ही अगर आपके फेस पे कहीं पे भी स्पॉट है, ब्लेमिशेस है, तो ये धीरे धीरे उसको भी रिमूव करेगा। और आपको पता है कि हम मार्केट से जब भी फेशियल कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, हार्डली 3000-4000 तो लग ही जाता है, और कुछ टाइम तक वो अफेक्ट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा फेस वैसा ही होने लगता है, डल होने लगता है, स्किन डार्क होने लगती है। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ ये हनी का फेशियल शेयर करने वाली हूँ। ये कंप्लीट फेशियल है, इसमें हम हनी की हेल्प से ही फेशियल के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, लाइक स्क्रब, फेस पैक एंड फेस मसाज, एवरीथिंग, जो भी फेशियल के स्टेप्स होते हैं वो सारा कुछ हम फॉलो करेंगे, और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए, मैं मूव ऑन करती हूँ अपने फेशियल की तरफ। हनी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, और हनी का फेशियल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, हनी एंड कोकोनट या फिर ओलिव ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहते हैं, एक ऑयल आपको चाहिए। साथ ही आपको चाहिए कॉटन का बोल। फ्रेंड्स, फेशियल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फेस टॉवल लेना है जिसको आपको गर्म पानी में सोख कर देना है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से अपने फेस पे इस हॉट टॉवल को डैब डैब करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, साथ ही अगर आपके फेस पे कहीं पे भी डर्ट है या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो सारा ऊपर आ जाएगा, जिसके बाद जब आप फेशियल करेंगे तो आपका फेस डीपली क्लीन होगा। तो इस तरीके से एक से दो मिनट तक अपने फेस को अच्छे से गर्म टॉवल की हेल्प से सेक लें। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सबसे पहले फेस क्लिंजर की तरफ। तो क्लिंजर बनाने के लिए आपको चाहिए एक हनी, और हनी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का डाबर, पतंजलि हनी। आप कोई भी हनी यूज़ कर सकते हैं, लाइक डाबर का या फिर जो भी हनी आपके पास आपके घर में अवेलेबल हो आप वो हनी इस्तेमाल करें। क्लिंजर बनाने के लिए मैंने लिया है एक टेबल स्पून हनी, ये देखिए आप, इस तरीके से मैंने एक टेबल स्पून हनी लिया है, एंड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। और मेरा जो रोज़ वाटर है फ्रेंड्स, ये ओरिफ्लेम का है, आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी ये हाफ टेबल स्पून रोज़ वाटर, और इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। जस्ट इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर से ही आपका जो फेस क्लिंजर है वो तैयार हो जाता है। ये आपके फेस पे जो भी आपने हॉट टॉवल रखने के बाद जो भी डस्ट पार्टिकल्स आपके फेस पे ऊपर आ जाते हैं उसको बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। उसके बाद आपको एक कॉटन लेना है, और इसको इसमें डिप करके आपको अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है इस तरीके से। देख सकते हैं किसने कितना ज्यादा डर्ट मेरे फेस से रिमूव किया है। तो ये हमारा क्लिंजर हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग स्क्रब यूज करेंगे, और स्क्रब के लिए आप एक बोल लें, और उसमें आपको ऐड करना है कॉफ़ी। आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, मैं नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ, और आपको लेना है
हाफ टेबल स्पून कॉफी, ये देख सकते हैं आप, मैंने लिया है कॉफी। इसमें आपको ऐड करना है हाफ टेबल स्पून हनी। चलिए इसको ऐड करते हैं एंड दैट्स इट। इसके बाद ही आपका जो स्क्रब है वो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए आपका स्क्रब बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। इस तरीके से आपको कॉफी और हनी को लेकर के अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और देन आप सर्कुलर मसाज करते हुए अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करें। ये आपके कॉफी बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है। ये आपके फेस पे जितने भी डेड सेल्स हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, सबको रिमूव करेगा और आपके फेस को डीपली क्लीन करेगा। आप 2 से 3 मिनट तक इसको अप्लाई करें। 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करने के बाद मैंने अपने फेस को ठंडे पानी से धो लिया है और उसके बाद आप इस तरीके से अपने फेस को टॉवल की हेल्प से ड्राई कर लें। ये आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छे से, इस स्क्रब ने मेरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अपना फेस पैक बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना फेस पैक बनाते हैं और उसके बाद अपना फेशियल को कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, मैंने अपने फेस मसाज क्रीम जो अप्लाई किया था उसको रिमूव कर लिया है और अब मैं बनाऊंगी अपना फेस पैक। तो उसके लिए मैंने एक बोल में लिया है हाफ टेबल स्पून गेहूँ का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह पे बेसन भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ किया है। इसमें मैं यूज़ करूँगी, ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून हनी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जीवा का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सैफ्रॉन है, इसमें सैफ्रॉन एक्सट्रैक्ट है और ये पैराबिन एंड मिनरल ऑयल फ्री है और ये हर स्किन टाइप के लिए है। तो मैं यहाँ पे हनी और एलोवेरा जेल ऐड करूँगी इस गेहूँ के आटे में और मैं फिर इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा रोज वाटर। तो चलिए इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन के राइट बटन पे क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपके पास मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। तो आप मेरे कुछ वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप मेरे बाकी के वीडियोस मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके लिए मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट फेस पैक बिल्कुल रेडी है। इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। रोज़ वाटर एंड जो मैंने एलोवेरा जेल इसमें ऐड किया है उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इससे। इस फेस पैक को आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स तो रखने ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 15 मिनट्स इसको रखने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज 10 मिनट्स तक आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें अच्छे से मिक्स करके। तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। फेस पैक अप्लाई हो चुका है। मैं 10 मिनट्स के बाद इसको रिमूव करूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस पैक को धो लिया है और अभी मेरा फेस बहुत अच्छे से डीपली क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप डैब डैब करके अपने पूरे फेस को अच्छे से सुखा लें और उसके बाद आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फेशियल बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हर एक स्किन टाइप के लिए है। तो आप प्लीज़ 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 इसको यूज़ करें, अप्लाई करें महीने में 2 से 3।
बार और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। एंड मैं जो भी आपके साथ फेस स्क्रब, फेस मास्क या फिर फेशियल जो कुछ भी आपसे शेयर करती हूँ, मैं वो सिर्फ आपको लिखकर या फिर बोलकर नहीं बताती हूँ, मैं आपको जस्ट लाइव अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, जिससे कि आप उसका सही मेथड तो सीख ही पाए, साथ ही साथ उसका जो भी रिजल्ट है वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, विजिबल उसका जो भी रिजल्ट आता है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आप मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ आप मेरे हर वीडियोज को बिग लाइक दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और मैं नेक्स्ट मिलती हूँ आपसे एक अच्छे वीडियो के साथ। टिल देयर, बाय, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, ओके।